भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा ने पीएम पोषण योजना में अपनी भागीदारी निभाई। 10,000 पोषण वाटिकाओं का भी किया गया है लोकार्पण। ग्वालियर में सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्रों ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा। एसपी को ज्ञापन देकर केस दर्ज करने की मांग। हमीरपुर के चिकासी इलाके में हुई सामूहिक दुष्कर्म की वारदात। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के होटल में हुई मौत के मामले में होटल मालिक के सुभाष शुक्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जे एन सिंह की सलाह के आदमी है, ये मुझसे बच पूछिए। कांग्रेस विधायकों के दिल्ली जाने पर गरमाई छत्तीसगढ़ की सियासत। सीएम भूपेश बघेल ने कहा इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। कासगंज में समाजवादी पार्टी ने किया पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन। बीजेपी पर बोला हमला, किसानों और महिलाओं पर अत्याचार का लगाया आरोप। रायपुर में धान की बर्बादी को लेकर शुरू हुई सियासत। कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा सहमति के बाद धान लेने से किया इनकार। कोरिया जिले में शारदीय नवरात्रि की तैयारी बड़े ही जोर शोर से चल रही है। वहीं सभी मंदिरों की साफ सफाई के साथ रंगरोगन भी किया जा रहा है। कोरोना काल के बाद इस बार नवरात्रि को लेकर बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं। मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगाने के लिए वसूले जाते हैं 200 रुपए। बिना लाइन में लगे 200 रुपए का लगवा सकते हैं टीका। अब इस वसूली का वीडियो हुआ वायरल। निलंबित सीओ अमरीश बघेल के विरुद्ध थाना लड़कों में मुकदमा दर्ज। आत्महत्या के दुष्प्रेरण सहित कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज। तत्कालीन सीओ भेलीपुर पर बैठ के एक मामले में सांसद अधूराई की मदद करने का आरोप।